नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। आइए देखते हैं ये हमारे संवाददाता रियाज शेख की खास रिपोर्ट। नमस्कार, INN24 में आपका स्वागत है, मैं हूं रियाज शेख। स्वच्छता अभियान जो बड़े बड़े नेता सिर्फ झाड़ू लेकर हाथ में फोटो खींचा कर मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि स्वच्छता अभियान जैसे उन्होंने पूरा इंडिया ही साफ कर दिया, लेकिन जो मन से किया जाए वही स्वच्छ और स्वच्छ अभियान होता है। ऐसे ही हम नागपुर के प्लोटी चर्च साइड में हैं, जहां बुज़ुर्ग इंसान अपने बल पर पूरी कॉलोनी नहीं बल्कि पूरे एरिया को साफ करने का बीड़ा उठाया है। सीख लेना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों ने। वो है हमारे साथ ही ग्रुप जो रोज़ सुबह उठकर मॉर्निंग में उठता है और अपनी जिम्मेदारी से स्वच्छता अभियान चला रहा है। चाहे वो मेरे बाजू में NIT का खुद का NIT का एक प्लॉट है, उसकी भी साफ सफाई करने वाले यही लोग हैं और ये मेरे सामने की बात है। दोस्तों आइए बात करते हैं ऐसे ही ये छोटे से ग्रुप के साथ, हरीफ चचा जिनसे मैं बात करूंगा और उनके साथ सभी ये साथी इनके जो रोज़ सुबह अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई किया कर रहे हैं। चाचा बताइए, आपके मन में ये कैसी बात आई कि एक स्वच्छता अभियान चलाए या किसी बैनर के नीचे, खासतौर से किसी बैनर के नीचे नहीं है ये अभियान, खुद के बल पर है और आपको इन साथियों को लेकर काम कर रहे हैं, तो आपको मन में कैसा आया आपके? जी, मन में तो इसलिए आया कि मैं फ्लैट में रहता हूँ और वहाँ से हमारे सामने जो खुला प्लॉट है उसमें सब ला के कचरा वगैरह डालते हैं, पूरी गंदगी होती है और ख़ासतौर से पॉलीथीन के अंदर जो अनाज डालते हैं उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और जानवरों को भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए मैं सोचा कि कम हमारे सामने का जो प्लॉट है उसको तो भी अपन साफ रखना अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अकेला ही उसको साफ करने निकला। तो हमारे ताजुद्दीन साहब जो हमारे ऊपर के इसमें रहते हैं फ्लैट में, हुआ है वो एक साफ़ होने के बाद हमें लगा कि उसके बाजू का भी कर लेना चाहिए। जब बाजू का हम करने लगे तो जो हमारे बाजू में मेरे खड़े हैं पटले साहब, उन्होंने देखा और वो तुरंत, उनके बहुत दिनों से दिल में थी, उनका कहना था कि मुझे कोई इंजन चाहिए था, मैं बिल्कुल डब्बा बनने को तैयार हूँ, और इसलिए वो भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने हम और ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि अपने को सब पूरा ये अपना आजू बाजू का ही नहीं, अपना नगर ही नहीं, अपने को पूरा नागपुर ही साफ़ करना है, बिल्कुल स्वच्छ बनाना है ताकि अपने बच्चे भी अच्छे रहे, निरोगी रहे, और इसी तरीके से एक चलता रहा और अपना कारवा बढ़ता रहा। ये हमारे साथ पटले जी भी है जो इनके सहयोगी है, जिन्होंने कहा कि मुझे इंजन की ज़रूरत थी और मैं डब्बा बनना चाहता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, तो पटले जी से भी मैं बात करना चाहूँगा। आप अपना पूरा नाम के साथ बताइए। माझा नाव घनश्याम तुलाराम पटले है, मी गुरुदेव सेवा मंडळाचा एक सदस्य आहे आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्याकडून प्रेरणा मिळाली आहे की आपलं गाव स्वच्छ व्हावं, म्हणून मी या हिंदी बोलू की मी आपल्या गावात पण स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे आणि इथेही व्हावी अशी माझी आत्मइच्छा होती। मी पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये होतो आणि आता या स्वच्छता अभियानाला सुरुवात झालेली आहे आणि मी त्याच्यामध्ये सहमत आहे। येथे हमारे पटले जी जिन्होंने एक पोलीस सेवा देने के बाद भी अपनी सेवा को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे चचा लगते हैं मोहम्मद हनीफ साहब और ये इनके दोस्त हैं ताजुद्दीन साहब। जब इन लोगों ने मुझे दावत दी इस बात के लिए कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए, मुझे ऐसा लगा कि हमने ज़रूर इनके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। वैसे तो जमात इस्लामी हिंद भी ये सब चीज़ें काम करती रहती है, लेकिन अभी हमने ये शुरुआत नहीं की थी, लेकिन हमको एक बेस मिल गया चचा के ज़रिए कि यहाँ पर हमने काम करना चाहिए, तो हम उनके साथ जुड़े। शुक्रिया। जोत से जोत जलाते चलो, ये है जोत, ये चिंगारी जो पलोटी चर्च का जो एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा एरिया है और गंदगी का साम्राज्य ज़्यादा होने के कारण यहाँ के खुद लोगों ने अपने ऊपर ये बीड़ा उठाया है। कैमरामैन बलराम के साथ मैं रियाज शेख, INN24 न्यूज़ नागपुर। हम लोगों ने अपने फ्लैट के आसपास, जैसा कि बताया हनीफ भाई ने, कि हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया कि अपने आसपास का जो जगह है वो वहाँ से शुरू करते हैं और फिर हम लोग बढ़ते बढ़ते दूसरे प्लॉट में भी गए, तीसरे प्लॉट में भी गए और ये अभियान हम लोग का शुरू है। हम लोग ये समझते हैं कि ये साफ़ सफाई रहना, ये तो एक इंसानी फितरत है कि साफ़ सफाई रहना, लेकिन इसको मोटिवेट किया जाए, दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए।